हमारी लास्ट वीडियो में हमने लेजर पर एक कंप्लीट न्यूमेरिकल किया, यानी हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की जो जनरल एंट्रीज होती हैं उससे हमने देखा किस तरह से लेजर्स बनाते हैं। अब हम लोग ये न्यूमेरिकल हमारा उसी की कंटिन्यूशन में है। इस पे हम देखेंगे कि लेजर जो हमने बनाए हुए हैं इनके बैलेंस को टोटल हम किस तरह से करेंगे, और ईयर मंथ के चूंकि ये लेजर एक मंथ के बने हुए हैं तो मंथ के एंड पर बैलेंस क्या होगा और वो बैलेंस नेक्स्ट मंथ के लिए क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है कैश अकाउंट, तो हम इसको देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से हम लोग इनका टोटल करेंगे। हम लोग इन कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो टोटल करके ये आता है 1,50,000। 1,50,000 को पहले हम लोग साइड में लिख लेते हैं, इसको पहले हम लोग डायरेक्टली इस कॉलम इस टोटल के अमाउंट के जो बॉक्स है इसमें नहीं लिखेंगे। इसके बाद इसका रीज़न क्या है ये अभी हम देखेंगे। इसके बाद हम लोग डेबिट साइड का भी टोटल करते हैं, और डेबिट साइड का जो टोटल आता है वो आएगा 2,18,000। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2,18,000। अब हम देखेंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो डेबिट जो टोटल ज़्यादा है वो है डेबिट साइड का। अब जो टोटल ज़्यादा है उसको हम लोग डेबिट साइड पर भी लिख देंगे और क्रेडिट साइड पर भी लिख देंगे। ये 2,18,000 को हमने दोनों साइड्स पर लिख दिया। अब 2,18,000 में से हम ये 1,50,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो है 51,800। तो ये 51,800 ये डिफरेंस आया है हमारा क्रेडिट साइड पर, तो इस डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या होगा, 51,800 को अगर हम इस तमाम अमाउंट में जमा करें तो ये टोटल हमारा 2,18,000 बनेगा। अब डेबिट साइड जो है उसका बैलेंस ज़्यादा था, क्रेडिट साइड का बैलेंस टोटल अमाउंट कम थी, तो इस बैलेंस को अब हम लोग कह रहे हैं ये बैलेंस कैरिड डाउन है, यानी वो बैलेंस जो हमारे महीने के आखिर में है। बैलेंस कैरिड डाउन को हम लोग सी बाई डी से, कैरिड डाउन को हम लोग सी बाई डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैरिड डाउन का मतलब है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, महीने के एंड पे बैलेंस है, और यही बैलेंस हमारे अगले महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। जब डिफरेंस हमारा डेबिट साइड पर डेबिट साइड के ज़्यादा होने की वजह से होगा तो उस डिफरेंस को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, लेकिन उसे हम अपना डेबिट बैलेंस कहेंगे। यानी ये कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 51,800, और जो हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस 1 सितंबर को होगा वो होगा 51,800। कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होने का मतलब ये है कि हमारे पास 51,800 रुपये 1 सितंबर को पड़े हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले अकाउंट पर जो कि है यहाँ फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड पर हमारे पास कैपिटल अकाउंट है और क्रेडिट साइड पर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 40,000 को टोटल में हम लोग यहाँ डेबिट साइड पर भी लिख लेंगे और क्रेडिट साइड पर भी लिख लेंगे। डेबिट साइड पर 40,000 हमारे पास फर्नीचर अकाउंट में है, तो ये जो हम क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं ये हम लोगों की बैलेंसिंग फिगर होगी, क्योंकि टी अकाउंट की दोनों साइड्स हम बराबर शो करते हैं और मंथ एंड पर जब भी हम लोग टोटल करते हैं तो हम लोग बराबर शो करते हैं, और जो अमाउंट का डिफरेंस होता है वो जिस साइड पर डिफरेंस आ रहा होता है उस साइड पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, हम लोग इस मंथ का आखिरी दिन है और हम लोग जब बैलेंस देख रहे हैं तो ये हमारा बैलेंस जो हमने डिफरेंस लिखा है बैलेंस कैरिड डाउन कहलाएगा, और इसको हम लोग 40,000 अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। और बिल्कुल इसी तरह जैसे हम लोगों ने 1 सितंबर को पहले बैलेंस ट्रांसफ़र किया, हम लोग ये बैलेंस भी ट्रांसफ़र करेंगे, और यहाँ पे इस बैलेंस को हम कहेंगे ये है बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी वो बैलेंस जो पिछले महीने से अगले महीने में लाया गया है, और इसकी अमाउंट कितनी है फर्नीचर की 40,000। ये चीज़ हमारी ये शो करेगी फर्नीचर 1 सितंबर को 40,000 की अमाउंट का ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का हमारे पास पड़ा हुआ है।
इसी तरह कैश अकाउंट की तरह हमने बाकी अकाउंट्स का भी टोटल कर लिया और बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। अगर हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो जैसे कैपिटल अकाउंट को अगर हम देखें, बैलेंस अगर हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा अमाउंट का क्रेडिट साइड पर अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट साइड पर कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड के ज़्यादा होने की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, तो ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट के लिए। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा 370,000 को क्रेडिट साइड पर हमने लिखा और यहाँ कोई बैलेंस नहीं था, तो हमने बैलेंस कैरिड डाउन के तौर पर 370,000 यहाँ पर भी लिख दिया। और अब 31 अगस्त को ये बैलेंस यहाँ पर इतना है, तो ये बैलेंस जब हम लोग अगले महीने ट्रांसफ़र करेंगे तो अगले महीने के लिए ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा 370,000। इसके अलावा जो डिफरेंट चीज़ है इसके टोटल में वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी सारे बिल्कुल इसी तरह टोटल हमने किए जैसे हमने ऊपर कैश अकाउंट को टोटल किया था। यहाँ पे अब हम आते हैं शाहिद एंड सन्स अकाउंट पर। शाहिद एंड सन्स अकाउंट की अगर हम डेबिट साइड देखें तो डेबिट साइड पर 28,000 अमाउंट आई है और क्रेडिट साइड देखें तो क्रेडिट साइड का भी टोटल जो बनता है वो 28,000 ही बनता है। तो इसका मतलब ये है शाहिद एंड सन्स अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन थी या जितनी भी हमारी एक्टिविटी थी वो अगस्त के महीने में ही सेटल हो चुकी है, और जो बैलेंस कैरिड डाउन है, जो बैलेंस हमने अगले मंथ के लिए ब्रॉट डाउन होगा, वो यहाँ पर कोई भी नहीं है। हमारा शाहिद एंड सन्स अकाउंट यहाँ पर बैलेंस हो गया और इसको अगले महीने में हम नहीं लिखेंगे और ये अकाउंट अब हमारा क्लोज हो जाएगा। इस तरह से जो अमाउंट दोनों तरफ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बैलेंस आ जाए इसका मतलब है उस अकाउंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ अब सेटल हो चुकी हैं। और बाकी जैसे हमने ऊपर बैलेंस कैरिड डाउन लिखा और ब्रॉट डाउन लिखा, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड का वो बैलेंस होगा यानी डेबिट बैलेंस कहलाएगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो वो बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। सलमान अकाउंट को भी हम देख सकते हैं, इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पहले ही इक्वल हो गई हैं। इसका मतलब है बैलेंस कैरिड डाउन या बैलेंस ब्रॉट डाउन सलमान अकाउंट का भी नहीं है। इसी तरह हमने तमाम अकाउंट के बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लिए और इस तरह से हमने देखा किस तरह अकाउंट को टोटल किया जाता है, मंथ एंड का बैलेंस निकाला जाता है और जो मंथ एंड का बैलेंस होता है वो अगले महीने के स्टार्ट के लिए ओपनिंग बैलेंस कहलाता है और साल के एंड पर मतलब मंथ के एंड पर इस बैलेंस को हम क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे और यही बैलेंस अगले महीने के लिए अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा किस तरह से टोटल कैलकुलेट किया जाता है, बैलेंस कैरी डाउन क्या होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन किसे कहते हैं। तो यहाँ हमारा लेजर का ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया।